मेरी बचपन की सहेलियां इधर बैठी, मैं अंदर सब्जी काट रही हूँ, फिट हूँ मेरा। इनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको देख के हमें बड़ी तकलीफ हो रही। कैसे आपकी एंट्री कैसे हुई, मतलब फॉर व्हाट पर्पस? मैं इधर दुनिया को बताने के लिए आई हूँ कि जितना ग्लैमर मेरी इन दोनों बहनों ने बॉलीवुड को दिया है ना, आजकल की लड़कियां दूसरी बार पैदा होकर भी नहीं दे सकती। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल टैलेंट, इतना मेकअप करती हैं आजकल की लड़कियां। कल तो एक लड़की मुंह के बल नीचे गिर गई, मैं कहा बेटी क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, मेकअप का वजन जो है बैलेंस नहीं हुआ। खैर वो आजकल वो इतना ग्राम नहीं है, वो जो इतना ग्राम नहीं, इंस्टाग्राम, कोई भी इंस्टाग्राम हो, फिंस्टाग्राम हो, इस पे ना ये अपनी दो दो ग्राम की फोटो में डाल के ना चार लाइक लेकर ना अपनी बराबरी ना इनके साथ करती हैं लड़कियां ये। अच्छा हाँ। मैं तुम्हें बता दूं कपू शर्मा, इन्होंने वो दौर देखा हुआ है जब लड़कों के पर्स में पैसे हो ना हो, लेकिन इनकी फोटो में जरूर आती थी। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं जी, सच बोलिया। आंटी आप मुझे इंटरव्यू लेने दोगे? नहीं, फिर हम तीनों सहेलियों का इकट्ठी को इंटरव्यू लो। ये कौन तीन सहेलियां? हम तीनों फ्रेंड्स है। नहीं, ये तो फिल्मों में काम करती थी, आप काम करती थी आटे की चक्की पे, आपकी दोस्ती कहाँ से होगी? और जिस चक्की का आटा खा के ये बॉलीवुड को ग्लैमर मिला ना, वो चक्की तेरी चाची चांदनी की थी। अच्छा। ये ना सामने अरुणा जी, इनका ढाबा है, तो ये जब अपने ढाबे का खाना खा लेती ना, इनका दिमाग खराब हो जाता, फिर ऐसी बातें करती है। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है कपू शर्मा, तीन औरतों का ग्लैमर देख कर। बीच बीच में पानी पीते रहना अगर हार्डनेस बर्दाश्त करनी है तो। मैं तो किसी बंदे के पास बैठ जाऊं उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। बिंदु जी इनको बताओ, जो प्रेम चोपड़ा फिर अपना रंजीत हीरोनों को क्यों उठाते थे? क्यों उठाते थे? ओ मैं नजर आती थी ना। तो आपकी वो शक्ल भी गोला बारूद जैसी ना, मैं भी इसलिए उनको आप पसंद आती होंगी बदमाशों को। फिर धर्मू मेरे पीछे क्यों पड़ा था? कौन धर्मू? और तुम्हें धर्मू को नहीं बताओ जिसके बेटे का 2.5 किलो का हाथ है। हेलो, हाँ जी सनी भाई, सनी देओल, हाँ सामने बैठी हैं, बेटे पकड़ के रखो इनको। मैं बेटे आ रहे आप आ जाओ। मैं मजाक कर रही थी बेटे, मैं मजाक कर रही थी प्लीज बेटे मुझे माफ कर दो, मत बुलाओ उसको। आ रहा सनी देओल। अरे जाने दो, हमारी बचपन की सहेली है। कितना रोती है आप, मेरी हंसी निकल जाती है आपको देख के। क्या मजाक कर रहा था मैं, नहीं आ रहे हो तो तुम क्या सोचते हो मजाक सिर्फ तुम ही करते हो, हम नहीं मजाक कर सकते? बिंदु जी वो जो कट्टी पतंग आपने फिल्म की वो मुझे भी ऑफर हुई थी, फिर मैंने कहा चलो मैं रहने देती, मेरी बहन ने कर ली मैंने कर ली, एक ही बात है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, थैंक यू। हां नहीं तो कट्टी पतंग फटी पतंग हो जाती। अरुणा जी ये बंदा बकवास ऐसे करता रहता है ना, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है बेसिकली। अच्छा इसको आप बता दो कि मेरे टाइम पे ना बच्चू जी की पहली पसंद मैं ही होती थी। कौन बच्चू? और तुम्हें बच्चू जी ने बता? नहीं। और वही बच्चू जी जो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। ओहो बच्चू जो जहाँ पर खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये वाले बच्चू जी, बच्चू साहब की बात कर रही हैं आप? लो अरुण जी मैं आपको बताती हूँ, जब 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी ना बच्चन साहब को, आपको पता वो कहाँ पर थे? कहाँ पर? मेरे घर में आलू वाले पराठे खा रहे थे। क्या बताऊं अर्चना जी, आपको पता है केबीसी में पहले दो ऑप्शन होती थी। अच्छा। जैसे हमारी आंखें चार हुई, चार ऑप्शन हो गए, ऑप्शन भी चार हो गई। सच में बड़ा अच्छा टाइम हम स्पेंड करते थे, मेरे बड़े बड़े क्लोज थे वो मेरे। बापरे आ गए, आ गए अमिता। नमस्कार देवी और सजनों। नमस्कार। 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 आज हमारे पाँव नीचे हो गए, नमस्कार करोगे? नमस्कार सर। हाँ मैं यही चाहता था, बस एक बार पैर छू ले ये बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार। 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 कैसे हैं? नमस्कार। 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 बिंदु जी क्या मैं बस आइए आप बैठिए। अच्छा बीच में
बड़े ही सालों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत हाँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो पहले भी आप मुझे यही कहते थे। बिल्कुल। आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन वही खूबसूरती, वही चमक, वही खनक। एक बात कहूँ दिल से, ये तो स्क्रिप्ट की मजबूरी होती थी जो मैं दूसरी हीरोइन के पास चले जाता था। मुझे आपकी नजरों से मालूम पड़ जाता था। और आप तो जानती हैं कि आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली बिंदु, मेरी माँ तेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदुरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़ गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे सर आप हास्य विनोद बहुत अच्छा करते हैं। विनोद होगा आपका, हमारा तो हास्य अभिषेक है। और अरुणा जी कैसे हैं? जी बस जी रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे टू गोवा, ओ यार नहीं नहीं, हम लोगों ने साथ में की थी। बिल्कुल। एट दैट टाइम गोवा वाज नॉट दैट हैपनिंग। हम जाते थे अर्चना, हमें याद है कि जो ये फॉरेनर देवियां होती थी वो भी फुल स्लीव साड़ी पहन के घूमती थी। इट वाज नॉट दैट। बैक टाइम। खैर कपिल जी के यहाँ पर आए हैं। कपिल जी बहुत बढ़िया, एक चीज पूछनी थी। ये पुराने दौर की जो सुपर स्टार है वो यहाँ पर बैठी है जी, तो ये कांचा चीना को अपने सामने क्यों बिठाया? सर वो कांचा चीना नहीं है जी। अगर वो कांचा चीना नहीं है तो फिर ये मांडवा जैसी औरत यहां पर क्यों बैठी है? बच्चन भाई ये पाए ये तो कह रही थी, ये आपको जानती है, आपका चक्कर था इनके साथ, बच्चू बच्चू बुला रही थी आपको। मिनट, सच सच बताइएगा, क्या आपने ऐसा कहा था? सर वो तो मैं मजाक कर रही थी। अगर ये देवी जी यहाँ पर मजाक कर रही थी तो आप सज्जन जी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये जो मजाक के नाम पे रायता फैलाते हैं ना, उनको मैं संभालता हूँ बाद में। बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ प्रशंसनीय। अगर हमारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।